अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट नाइन्थ क्लास लेक्चर चैप्टर यूनिट नंबर 6। हमने स्टार्ट किया हुआ था 6.1 के क्वेश्चन कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम के। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन किए थे, दो पार्ट से क्वेश्चन के। तो आज हम उसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाई फैक्टराइजेशन के मेथड से आप लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इट्स मीन्स पहले इन दोनों इक्वेशंस के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो इट्स मीन्स दैट 100 का फैक्टर बनाने हैं 25 आए, तो 20 × 5 100 एंड 20 और 5 ऐड होके क्या आएगा 25। तो इसका पेयर जो बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। तो अगर आप देखें ये आ रहा है x कॉमन x माइनस 20 माइनस 5 कॉमन x माइनस 20। दो पेयर इसके आगे हमारे पास x माइनस 20 का पेयर आ गया, x माइनस 5 का पेयर आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो इट्स मीन इसमें माइनस 20 का पेयर बनाना है कि 1 आए, तो 4 × 5 = 20। अब लिखेंगे हम इसको पेयर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। तो अगर आप देखें x कॉमन x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन x माइनस 5, दो पेयर आ गए इसके, x माइनस 5 आ गया और x प्लस 4 आ गया। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था सी एफ स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर और एन सी एफ स्टैंड फॉर नॉन कॉमन फैक्टर। एल सी एम में ये चीज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखें इसमें से क्या आ रहा है, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, वो आ रहा है एक्स माइनस 20 एंड एक्स प्लस 4। इट्स मीन्स इसका जो हमारे पास एल सी एम होगा वो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, एक्स माइनस 5 x माइनस 20 एंड x प्लस 4। ये इसका हमारे पास क्या आ गया, एल सी एम इन इक्वेशन का हमारे पास एल सी एम आ गया। तो वही क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का मेथड सारा एच सी एम वाला, जस्ट इसमें कॉमन और अनकॉमन फैक्टर आपने लहदा करके उसमें आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, पुट कर देनी है कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी कि इसी का सेकेंड पार्ट अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन तीनों के फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 का पेयर 2 × 4 सिंपल 2 और 2 ऐड हो के भी 4x आ रहे हैं। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, तो x कॉमन x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन x प्लस 2, दो पेयर बन गए x प्लस 2 और x प्लस 2। सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये तो आपके पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके लिए करते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x माइनस 2 के और x प्लस 2 के। थर्ड वैल्यू के आप देखें तो थर्ड वैल्यू के आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 6 × 12 12 का पेयर बनाना है कि 1 आए, तो 4 × 3 = 12 4 में से 3 1, तो इसका मतलब है 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6। कॉमन देखते हैं इसमें से 2x कॉमन, बाकी रह गया हमारे पास x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2। तो दो फैक्टर आपके पास आ गए x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब कॉमन फैक्टर इसमें से कौन से आ रहे हैं तीनों में से, अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये, इसमें x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आ रहे हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर में ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास एक आ रहा है x प्लस 2, दूसरा आ रहा है हमारे पास x माइनस 2 और थर्ड आ रहा है हमारे पास 2x माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एलसीएम फाइनल हमारे पास क्या आया, एलसीएम हमारे पास जो फाइनल आया वो आ रहा है x प्लस 2 कॉमन फैक्टर एंड देन x प्लस 2
एंड देन x माइनस टू और हमारे पास लास्ट आ गया 2x माइनस थ्री। ये फोर फैक्टर जो आ रहे हैं ये आपके क्या आ रहे हैं, एलसीएम आ रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू x प्लस टू का होल स्केयर, x माइनस टू एंड 2x माइनस थ्री। ये आपके पास इसका फाइनल सिंपल फॉर्म में एलसीएम आ गया। तो देखिए क्वेश्चन वही बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, एचसीएफ वाले हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर नॉन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो थर्ड पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है टू एक्स फोर माइनस वाई फोर इज, एंड सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास वो है थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब। ठीक है, तो अब अलग अलग इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहली वैल्यू है टू एक्स फोर माइनस वाई फोर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब सेकेंड वैल्यू हमारे पास जो है थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब। इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो आप देखिए फोर वैल्यूज हैं, तो आप इनको फोर टू टू का पेयर बना के इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो देखते हैं, पहले ये टू फैक्टर, ये टू फैक्टर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया बाकी आ गया एक्स प्लस टू वाई, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया बाकी आ गया एक्स प्लस टू वाई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पेयर बने हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस टू वाई। तो अब इसके हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले। तो उसके लिए देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं इसमें, कॉमन फैक्टर है हमारे पास इस इक्वेशंस के सी एफ स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। इस वैल्यू में अगर आप देखें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आ रहे हैं, अब फर्स्ट वैल्यू में अब आपके पास रह गए हैं नॉन कॉमन फैक्टर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू में थ्री एक्स प्लस टू वाई, थ्री एक्स प्लस टू वाई। तो अगर आप इनको अगर देखें तो टू थ्री दस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू वाई। इसका मतलब आपके पास जो इसका एलसीएम आया है वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू वाई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें मजीद सिक्स, ये बनेगा आपके पास एक्स फोर माइनस वाई फोर इंटू एक्स प्लस टू वाई। यहाँ आपके पास इसका फाइनल एलसीएम आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका बस रहता है हमारे पास, लास्ट पार्ट हमारे पास इसका कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है वो चेक करते हैं। तो वो है फोर एक्स फोर माइनस वन, फोर एक्स फोर माइनस वन, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है सिक्स एक्स क्यूब, सिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। ईजी है, उसी तरीके से हम पहले 4 को करते हैं एक्स फोर माइनस वन, तो 2 इंटू टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ गया 2 इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं इसको मजीद नहीं लिख रहा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, क्योंकि मुझे सेकेंड वैल्यू में नज़र आ रहा है कि यही वैल्यू बनेगी। चेक कर लेते हैं, सिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फोर वैक्टर है तो टू थ्री था सिक्स। अब फर्स्ट टू पेयर में से कॉमन निकला x, बाकी रह गया x माइनस वन। सेकेंड पेयर में से कॉमन निकला माइनस वन, बाकी रह गया x माइनस वन। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर आए टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड x माइनस वन। अब इसके अगर हम देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ से टू, यहाँ से भी टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका मतलब है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आ रहे हैं,
नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास इसके आ रहे हैं, ऊपर से हमारे पास रह गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से हमारे पास थ्री इंटू एक्स माइनस वन, थ्री इंटू एक्स माइनस वन। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। अब एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और नॉन कॉमन फैक्टर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो सिक्स टू द ट्वेल्व एक्स फोर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये आपका इसका क्या आ रहा है, फाइनल एलसीएम आ रहा है ट्वेल्व इंटू एक्स फोर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आप लोगों ने आज क्या काम किया, क्वेश्चन नंबर फाइव था हमारे पास, एलसीएम फाइंड आउट करना था बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो अगर आपको एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन के मेथड से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।